मध्य प्रदेश के दतिया में शहर के बदनाम अस्पतालों में शुमार हो चुका बुंदेलखंड हॉस्पिटल अब मरीजों के लिए मौत का सबब बन चुका है। 2 दिन पहले डिलीवरी के लिए सामान्य हालत में आई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर प्रसूता मान्या कुकरेजा की हत्या का आरोप लगाया। परिवार के लोगों का कहना है कि यहाँ चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा शराब पीकर मरीजों का इलाज करते हैं। इसी डॉक्टर ने प्रसूता का ऑपरेशन किया था, जबकि प्रबंधक राजकुमार सीकरवार अपने यहां अनुबंधित डॉक्टरों को बुलाता है और प्रति पेशेंट के हिसाब से अपना हिस्सा लेता है। शहर के मान्या कुकरेजा बुधवार रात को उसके परिवार के लोगों ने भर्ती कराई थी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में स्टाफ की हड़ताल चल रही थी, इसलिए उन्होंने बेहतर इलाज के लिए अनजाने में ही इस बदनाम अस्पताल को चुन लिया। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। परिवार के लोगों का कहना है कि पति के बिना सहमति के बुंदेलखंड अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रसूता मान्या का ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन में उसकी बच्चेदानी की नस काट दी, जिससे उसका खून बहना बंद नहीं हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर परिजनों से अपनी कमी को छुपाते हुए खून की कमी बताकर ब्लड अरेंज कराते रहे। इस बीच उसे आनंद फानंद में बिना कागजातों के झांसी रेफर कर दिया, जहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि प्रसूता की मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी है, जबकि वे 1 घंटे के भीतर झांसी पहुंच गए थे। यानी मृतका का मृत शरीर परिवार के लोगों को आनंद फानंद में अस्पताल प्रबंधन द्वारा सौंपा गया था। इसे लेकर अस्पताल में परिवार के लोगों और अस्पताल के स्टाफ में जमकर विवाद हुआ। खास बात ये थी कि इस दौरान ना तो वहां अस्पताल का प्रबंधक राजकुमार सिकरवार मौजूद था, ना ही ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। सिर्फ नर्स से परिवार के लोग बहस करते रहे। आखिरकार उन्हें न्याय की आस में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के पास जाना पड़ा। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। परिवार के लोगों ने शहर के लोगों से अपील की है कि वह भूलकर भी इस अस्पताल में अपने मरीज को ना लेकर आए, अन्यथा उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस अस्पताल में पहले भी कई मरीजों की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो चुकी है। वो खून से पूरी भरी हुई थी और 4-5 डॉक्टर उसके ऊपर छाती से पंपिंग कर रहे थे, मतलब वहीं खत्म हो गई थी ना। सर प्लीज सर, 2 उनकी बच्चियां हैं, अब हमें न्याय दिलवा दीजिए। छोटी छोटी है, वो बोल रही है मेरी मम्मी कहाँ है। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं सर, रिक्वेस्ट है, बस न्याय पूरा देखेंगे। हम लोग सब पर अभी बच्ची ठीक है, लेकिन हमें तो डॉक्टर को दूसरे को दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी मदर नहीं है। बच्ची का ध्यान दो, इसका ध्यान। हाँ, बाकी उनको डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उन्होंने कुछ हमें गाइड नहीं किया कि आपको ऐसा करना है। आप बच्ची का ध्यान दो, ये सब बच्ची का ध्यान दो, ये मेरे ठीक है। पति ने बोला मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी, 2 बच्ची, 1 बच्ची पहले, 1 बच्ची अभी है, आप बच्चेदानी निकाल दीजिए। तो मेरी सिस्टर वहाँ थी, वहाँ से नर्स निकल रही थी, इन्होंने मीटिंग करके नर्स से बोला, मैम आप बोल के गए हो बच्चेदानी फट गई, आप बच्चेदानी निकाल दीजिए, बट हमारी पेशेंट को हमें सही दीजिए। फिर उनके नर्स के वर्ड थे, मैम आपको बच्चेदानी की पड़ी है, या तो ना खून बंद नहीं हो रहा है सर, खून ना बंद। मेरे को ये बोलना चाह रहा हूँ कि दतिया वालों से निवेदन है कि इस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाएं, नहीं तो आप लोग अपना खोद हो गए। कोई माँ बहन इस हॉस्पिटल में बिल्कुल भी ना जाएं। और इन्होंने हमें हमारी भाभी की मृत्यु करके दी है, डॉक्टर लोग दारू पी करके वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, नस काट दे रहे हैं और मृत्यु करके हम लोगों को भाभी हम लोगों को दी है, बिल्कुल पैक करके दी है भाई को हमारे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल में हाथ जोड़ के कोई ना जाए, बिल्कुल कोई ना जाए। अच्छा, क्या ले गए हैं हम, हमें मगर भाभी हमें मृत्यु करके दी है, उनकी हत्या करके दी है और 10 मिनट में इन लोगों ने हमें भगाया है, ना इन्होंने हमें रेफर कार्ड दिया है, ना इन्होंने हम लोगों को फाइल दी है हमारी, ना इन लोगों ने हमसे पैसे लिए हैं, इन लोगों ने हम लोगों को बस भगाया है, 10 मिनट में भागो यहाँ से। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय चाहिए, जो हत्या हुई है हम लोगों को, सब भाई लोगों को जिम्मेदारों जो जिन लोगों ने मतलब गलती की है उनके ऊपर केस करना चाहिए हम लोगों को। जैसे हमारे घर की मेरी भाभी कही है, किसी की माँ बहन भाभी बेटी ना जाए, हम बस ये चाहते हैं। क्या नाम है मैम? लता। अच्छा, आकाश। पेशेंट का
की नस काटी गई है, बच्चेदानी के लिए तो उन्होंने खुद बोला है। पेशेंट ऐसे दौड़ के और सॉरी नर्स ऐसे दौड़ के गई, मेरी सिस्टर ने बोला कितना खून चाहिए आपको, खून की पड़ी है? नहीं, उन्होंने बोला बच्चेदानी निकाल दो, आपको बच्चेदानी की पड़ी, यहाँ खून बंद नहीं हो रहा है, उनकी नर्स ने ये बोला है। इससे मैम आप बताओ क्या ना वेरिफिकेशन हो रहा है? नस काटी है तभी खून बंद नहीं हो रहा है ना। डॉक्टर पिया हुआ था पीके इलाज, और डॉक्टर पीके इलाज कर रहे हैं, उनके मुंह से स्मेल आ रही है। अच्छा, पीके वो ऑपरेशन कर रहे थे? हाँ, पीके स्मेल आ रही है। कौन थे डॉक्टर? राघवेंद्र शर्मा। कब हुआ ऑपरेशन? कितने बजे? कितने बजे? सुबह हुआ 10 बजे। सुबह 9:30 बजे। मतलब सुबह डॉक्टर आप कह रहे हैं कि शराब पीकर ऑपरेशन कर रहे थे, ऐसा कहना है आपका? और उसके बाद आप लोग हमसे ब्लड की, इसकी शिकायत आपने ओनर से नहीं की कि यहाँ ऐसी घटनाएं घट रही हैं और शराब पीकर? मेरे को सब लोग गुमराह कर रहे थे, फिर भी बोले ब्लड लेके आओ, ब्लड लेके आओ। मैं इसी भाग दौड़ में भाग रहा था, मेरी माता जी थी। आप यहाँ आज एसपी साहब के यहाँ आवेदन शिकायत है आपकी? हमारी यही शिकायत है कि हमने पेशेंट को आपको सही दिया था, आपने बोला हाँ हम डिलीवरी करवा देंगे, तो डिलीवरी